फॉर लाइफ। चौतरवा में हुई जदयू की बैठक संपन्न, पार्टी के वरीय नेताओं के प्रति जताया अफसोस, प्रखंड व पंचायत स्तर के कार्यकर्ता को स्वयं सम्मानित करने का लिया निर्णय। बघाई प्रखंड के चौतरवा कोटमाई मंदिर परिसर के सभागार भवन में रविवार को जदयू कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक संपन्न की गई, जहां दर्जनों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद जायसवाल ने किया तो संचालन मधुवा पंचायत के अध्यक्ष राजेश केसरी ने की। बैठक के दौरान मौजूद वक्ताओं ने पार्टी के वरीय नेताओं के प्रति असंतोष व अफसोस जताया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गाँव गाँव में जाकर संगठन मजबूती तथा दल के नेता व नीतियों का निर्भीकता पूर्वक प्रचार प्रसार करते हैं, किंतु बदले में वरीय नेताओं से प्रताड़ना के सिवाय कुछ नहीं मिलता है, जिससे क्षुब्ध होकर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अब स्वयं को सभी कार्यकर्ता सम्मानित करेंगे। साथ ही इस दौरान चौतरवा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे स्वर्गीय शिवशंकर गुप्ता को याद किया गया और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद जायसवाल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी में बैठे वरीय नेता कार्यकर्ताओं को केवल चुनाव में इस्तेमाल करने की वस्तु समझ बैठे हैं, जबकि कार्यकर्ताओं को केवल सम्मान की अपेक्षा रहती है, जो उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए आज बड़े ही अफसोस के साथ निर्णय लिया गया है कि आगामी 15 मार्च को सभी कार्यकर्ता स्वयं को सम्मानित करेंगे, जो पार्टी में बैठे वरीय नेताओं की निष्क्रिय होने का जवाब होगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जब 15/3/2023 को चौतरवा कोटमाई स्थान में प्रखंड स्तरीय जनता दल यूनाइटेड का बैठक की गई है, जिसमें सभी पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी के लोग, जिला महासचिव, जिला के लोग उपस्थित रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान किया जाएगा। यहाँ इसी के लेकर हम लोग बैठक किए हैं। इस बैठक में नहीं किसी हम लोग MP के पूछे हैं, नहीं विधायक के पूछे हैं और नहीं MLC को पूछा गया, सिर्फ कार्यकर्ता को ही बैठक किया गया मान सम्मान के लिए। या अगला रणनीति 24 में चुनाव है, वाल्मीकि नगर संसदीय, इसके लेकर हम लोग बैठक किए हैं। वो जितेंद्र प्रसाद जायसवाल, प्रखंड अध्यक्ष जदयू बघाई। नया पत्रकार आए गड़ा हूं। बैठक का उद्देश्य है कि मतलब प्रखंड बघाई के प्रखंड अध्यक्ष श्री जितेंद्र प्रसाद जायसवाल को ये लगा कि हम कार्यकर्ता साथियों की उपेक्षा माननीय लोगों के द्वारा की जा रही है। कार्यकर्ता को एक तरफ रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, हर दल के सीनियर साथी लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो उस रीढ़ की हड्डी को किस तरह से उपेक्षित रखा गया है, किस तरह से मतलब ये लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं, इसी असहजता को दूर करने के लिए और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपने कार्यकर्ता साथियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिस पर आज बैठक की गई है और इस बैठक का को अमली जामा हम लोग 15/3/2023 को इसी कोटमाई स्थान परिसर में अपने कार्यकर्ता साथियों को, उनके वरिष्ठ, उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उन्हें अंग वस्त्र एवं फूल माला दे करके सम्मानित करेंगे। अपने ही साथियों को अपने ही साथी सम्मानित करेंगे। साथ ही हम लोगों के वरिष्ठ यहाँ के पूर्व मंडल अध्यक्ष स्वर्गीय शिवशंकर गुप्ता जी हुआ करते थे, जो काफ़ी ओजस्वी, मेघावी और कर्मठ भी थे और समाज हित में बोला करते थे, उन्हीं के सानिध्य में रह करके हम कार्यकर्ता साथियों ने मतलब जो कुछ राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना शुरू किया, उन्हीं के देखरेख में किया, उनको भी आज हम लोग याद करेंगे और उनके नाम पर भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश शाही, जिला महासचिव जनता दल यूनाइटेड। यह बैठक जो है हम लोग वर्करों के मान सम्मान के लिए रखे हैं, जो कि 15/3/2023 को इसी कोटमाई स्थान में रखा गया है। माननीय लोगों के कार्यकलापों से उपेक्षित होते हुए हम लोग देखे कि सभी वर्कर जो है उपेक्षित होते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं, पार्टी के प्रति इन लोगों की आस्था जो है समाप्त होती जा रही है। इसी सोच के तहत हम लोग सोचे कि अब जो है समय आ गया है, कार्यकर्ताओं का सम्मान जो है समाप्त होता जा रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग आपस में ही बैठ करके पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड कमेटी की एक बैठक की जाए और उसी में कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाए और इन्हीं लोगों के बीच से अगर माननीय लोगों में 15 के बाद बदलाव अगर न होती है तो इन्हीं लोगों के बीच से हम लोग अगला जो है अपना कार्यक्रम
का स्टार्टिंग इसी जगह से करेंगे। इसी के उद्देश्य से हम लोग बैठक का जो है आह्वान किया है। राजेश्वर राव बीडी। आज की बैठक का उद्देश्य मुख्य ये है कि ये प्रखंड से लेकर के जिला के लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे 15 तारीख को कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए ये बैठक आहूत किया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष जी जो हैं ये एमपी विधायक एमएलसी माननीय लोगों के द्वारा हम कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये बिगुल फूंकने का आवाज़ हम लोगों ने उठाया है। आपको याद होगा यही चौतरवा के मेन चौराहे पर प्रभात रंजन सिंह विधायक हुआ करते थे और उनको भी हम लोग नहीं बख्शा। तो एमपी हो या विधायक हो या एमएलसी हो, अगर कार्यकर्ताओं के मान सम्मान नहीं करेगा तो कोट भाई के ही प्रांगण से बिगुल बजेगा और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से एक नेता का चेहरा निकाला जाएगा। इसके लिए हम आहूत कर रहे हैं। जय चंद्र पांडे, प्रखंड उपाध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड।